हमारे बर्ड्स बीमार होते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि इनको कौन सी बीमारी है, और जब हमें पता चल जाता है कि इनको कौन सी बीमारी है तो हमें कौन सी मेडिसिन इनको देनी चाहिए ताकि हमारे बर्ड्स जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और हमें किसी किस्म का नुकसान ना हो। अक्सर दोस्त ग्रुप्स वगैरह में ये पूछते हैं कि हमारे बर्ड्स सुस्त होकर बैठे हुए हैं, मगर उन्हें 100% इस चीज का पता नहीं चलता कि उनके बर्ड्स को आखिर क्या बीमारी है। इस तरह के दोस्तों के लिए आज की ये वीडियो है ताकि वो इसे देख सकें और समझ सकें कि उनके बर्ड्स को कौन सी बीमारी होती है, क्योंकि जब तक बीमारी का सही तरीके से पता नहीं लगता तब तक आप बर्ड्स को कोई भी किस्म की मेडिसिन ना दें, और ना ही आपको किसी किस्म की मेडिसिन देनी चाहिए क्योंकि हो सकता है कि वो उस बीमारी के लिए ठीक ना हो और आपके बर्ड्स को बजाय फायदे के नुकसान हो जाए। तो आज हम कुछ कॉमन ऐसी बीमारियों के बारे में बात करेंगे जो कि आमतौर पर बर्ड्स को होती हैं। सबसे पहली बीमारी बुखार है। परिंदों को ज्यादातर बुखार हो जाता है। मौसम की तब्दीली, गंदगी, केचे अच्छे तरीके से सफाई ना होने की वजह से बाज़ूकात बर्ड्स को बुखार हो जाता है। इसमें परिंदा सुस्त होकर किसी कॉर्नर में बैठा रहता है या बाज़ूकात अपने सर को परों के अंदर छुपा के किसी कोने में पर फैलाए बैठा रहता है। इस तरह का बर्ड ज्यादा फीड नहीं खाता, बाज़ूकात वो स्टिक के ऊपर नहीं बैठता, केचे किसी कोने में एक साइड पर बैठा रहता है। इस तरह के बर्ड्स को आप अगर पकड़ते हैं और इसको चेक करते हैं तो आपको आसानी पता लग सकता है कि अगर उसके पाँव का टेम्परेचर ज्यादा है तो आपको गर्म फील होगा। जब कभी भी आप देखें कि आपके बर्ड्स के पाँव गर्म हो चुके हैं या फिर उसको अगर आप अपने फेस के करीब लेके आते हैं तो आप फील करेंगे उसकी जो सांसें हैं वो आपको गर्म गर्म महसूस होंगी। इस तरह के बर्ड्स को आपको चाहिए कि जल्द से जल्द किसी हॉस्पिटल केज में शिफ्ट करें और उसकी ट्रीटमेंट चालू कर दें। ट्रीटमेंट के लिए जो मैं आज आपको दवाइयां बता रहा हूँ उसमें आप कोई भी एक किस्म की दवाई लाके उसका इलाज कर सकते हैं, जिसमें आप कालपोल जो कि बच्चों के लिए इस्तेमाल होती है, ब्रोफिन या फिर पैनाडोल का कोई भी सिरप लाके अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। बर्ड्स को देने का तरीका यह है कि आप बर्ड्स को पकड़ें, उसके मुंह में 2 ड्रॉप डाल दें और बर्ड्स को दोबारा केज में छोड़ दें। इस अमल को आपने दिन में 2 बार दोहराना है, यानी कि एक बार सुबह और एक बार शाम। अगर बर्ड्स की तबीयत ज्यादा खराब हो और वो खुद कोई भी सीड वगैरह ना खा सके तो आपको चाहिए कि आप उसे हैंड फीड करवाएं, क्योंकि ज्यादातर बर्ड्स बीमारी की वजह से नहीं बल्कि भूख की वजह से मर जाते हैं। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं नज़ला या जुकाम की। जब कभी भी बर्ड्स को नज़ला होता है तो बर्ड्स की आंखों में से या उसकी नाक में से पानी आना शुरू हो जाता है। स्टार्टिंग में ये पानी सिर्फ और सिर्फ नाक में से आता है, जैसे जैसे ये ज्यादा होता जाता है तो उसकी आंखों में से भी पानी आना शुरू हो जाता है, और अगर ये ज्यादा हद तक पहुंच जाए तो उसकी आंखों के इर्द गिर्द से बाल भी झड़ना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि बर्ड्स को सांस लेने में तकलीफ होती है। आपका बर्ड स्टिक के ऊपर बैठ के जब सांस लेता है तो उसकी दुम हिलती रहती है, जिससे आपको बज़ाहिर पता लग सकता है कि आपके बर्ड्स को या तो नज़ला है या फिर उसे किसी किस्म की सांस की बीमारी लगी हुई है। इस कंडीशन में भी बर्ड्स को बाज़ूकात बुखार हो जाता है या फिर अगर बुखार ना हो तो बर्ड सुस्त रहना शुरू हो जाता है। अगर उसका बर वक्त इलाज ना किया जाए तो उसे सोखड़ा भी हो सकता है, क्योंकि वो फीड खाना कम कर देता है और बर्ड्स इससे कमजोर होना शुरू हो जाता है। जब कभी भी आप देखें कि आपके बर्ड्स को नज़ला है तो इस तरह के बर्ड्स को भी आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल केज में शिफ्ट करें और बाकी बर्ड से अलग करके रखें। इसे भी दवाई देने का तरीका सेम है जैसा कि मैं बता चुका हूँ। डायरेक्टली इसके मुंह में आपको 2 ड्रॉप करने हैं सुबह और 2 ड्रॉप शाम को इस्तेमाल करवाने हैं। नज़ले के लिए आप जो सिरप इस्तेमाल करेंगे उसे इरिनेक कहते हैं, जो कि आपको बआसानी किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल सकता है। इसके अलावा आप अपने बर्ड्स को सफेदे के पत्ते भी दे सकते हैं, क्योंकि सफेदे के पत्ते भी नज़ले के दौरान बहुत ही अच्छा इफेक्ट करते हैं। या फिर अपने बर्ड्स को आप किसी भी वक्त सफेदे के पत्ते दे सकते हैं, ख्वाह वो ठीक ही क्यों ना हो। सफेदे के पत्तों के बर्ड्स के ऊपर बहुत ही अच्छे असरात होते हैं। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे वॉमिट की, यानी कि बर्ड्स को उल्टियां लग जाना। जब भी कभी बर्ड्स को उल्टियां लग जाती हैं तो आप देखेंगे कि आपका बर्ड्स किसी स्टिक के ऊपर बैठ के सर को हिलाते हुए जो खुराक उसने खाई होती है उसे निगलता रहता है। उसका हाजमा ठीक नहीं होता। बर्ड्स जो भी खुराक खाता है उसे वापस निगलने की वजह से उसे ताकत नहीं मिलती और वो कमजोर होना शुरू हो जाता है। इस तरह के बर्ड्स के लिए आप आसानी खुद एक कावा बना सकते हैं। इस किस्म का कावा बनाने के लिए आपको पुदीना, सौंफ और सब्ज लाची की जरूरत होगी। इन तीनों चीजों को आप थोड़ी मकदार में लेके 2 कप पानी के अंदर मिक्स करके हल्की आंच पे रख के उबालें। जब ये पानी सिर्फ 1 कप रह जाए तो आपको चाहिए कि इस पानी को अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करें। इससे आपके बर्ड्स का हाजमा दुरुस्त होगा और आपके बर्ड्स उल्टियां करना छोड़ देंगे। चौथे नंबर पे बर्ड्स को खांसी लग जाना। बाज़ूकात बर्ड्स को खांसी भी लगती है। इसकी पहचान ये होती है कि जब कभी भी आप अपने बर्ड्स को देखें कि वो छींके मार रहा है तो इसका मतलब है कि उसे खांसी हुई है, क्योंकि बाहर दिखने में ऐसा लगता है जैसे कि वो छींके मारता है मगर वो दरअसल खांसी होती है। इस तरह के बर्ड्स को भी आप मेडिसिन डायरेक्टली उसके मुंह में दे सकते हैं। इस तरह के बर्ड्स के लिए जो दवाई इस्तेमाल होती है उसे तूती सुयाह कहते हैं, जो आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी मिल सकती है। इसको भी इस्तेमाल करने का तरीका सेम ही है। 2 कतरे सुबह और 2 कतरे शाम अपने बर्ड्स को डायरेक्टली उसके मुंह में पिला दिया करें। 3 दिन का कोर्स करवाने के बाद आप फील करेंगे कि आपका बर्ड्स बिल्कुल मुकम्मल ठीक हो चुका है। 5वें नंबर पे हम बात करेंगे लूज मोशन की। बाज़ूकात बर्ड्स को लूज मोशन होते हैं। अगर आप अपने केज की सही तरीके से सफाई नहीं करते
या फिर अगर आप अपने बर्ड्स को कोई सॉफ्ट फूड ज्यादा देर तक अपने बर्ड्स के केज के अंदर रखते हैं और बर्ड्स जब उसे खा लेते हैं तो उन्हें लूज मोशन हो जाता है। लूज मोशन में बर्ड्स पतली ड्रॉपिंग करता है जो कि आपको बासानी पता लग सकता है कि आपके बर्ड्स को लूज मोशन है। एक तो उनके फ्लोर पे अगर आप चेक करें तो पतली ड्रॉपिंग होंगी जिसमें लिक्विड की मिकदार ज्यादा होगी, और दूसरा ये कि आपके बर्ड्स की जो विंड का एरिया होगा वो भी गंदा होगा। जब कभी भी आप देखें कि आपके बर्ड्स को लूज मोशन है तो आप अपने बर्ड्स के लिए फ्लैजिल की मेडिसिन यूज कर सकते हैं। फ्लैजिल में सीरम और इंजेक्शन दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इनके इस्तेमाल का तरीकेकार भी सेम है। अगर आपके बर्ड्स ज्यादा हैं तो आप 5-6 ml 1 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके तमाम बर्ड्स को दे सकते हैं, और अगर आपके बर्ड्स कम बीमार हैं तो आप हर एक बर्ड्स के मुंह में 2-2 कतरे सुबह और 2 कतरे शाम को डायरेक्टली भी दे सकते हैं। इसके अलावा लूज मोशन के दौरान बर्ड्स अपनी आंखें बंद करके किसी साइड में बैठ के खाना पीना छोड़ देता है। आंखें बंद करने का मतलब ये होता है कि बर्ड्स के अंदर पानी की कमी आ गई है। अगर बर्ड्स के अंदर पानी की कमी हो तो आप उन्हें हैंड फीड करवा के पानी की मिकदार को बढ़ा सकते हैं, या फिर आप देखें कि अगर वो खुद खा पी सकता है तो उसके पानी के अंदर ORS जरूर मिक्स करके बर्ड्स को दिया करें। इसके साथ आपको ये करना होगा कि आप गंदम वगैरह अपने बर्ड्स को बिल्कुल नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ उबले हुए चावल और सीड मिक्स में आयली सीडों को निकाल के अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी दुआओं में याद रखें अपना और अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।